अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला असकर है और आज हम स्टडी करेंगे ब्रैंडेटिक्स के बारे में कि ब्रैंडेटिक्स क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकता है, ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग, इसके सारे एस्पेक्ट्स को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्रैंडेटिक्स है क्या। ब्रैंडेटिक्स अमेजोन का अपना फीचर है जो ब्रांड ओनर्स के पास है, जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, जिनके ब्रांड रजिस्ट्री भी होती है। ये स्पेसिफिकली उन सेलर्स को प्रिवेज होती है कि अमेजोन उनको थोड़ा एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर बेसिकली मैं एक सर्च रिपोर्ट आई जाती है, और सर्च रिपोर्ट के बाद एक मार्केट बास्केट एनालिसिस है, आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेटिव परचेज बिहेवियर एक ये रिपोर्ट है, और डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट है। बेसिकली ये चार रिपोर्ट्स हैं, इन चार रिपोर्ट्स को हम बारी बारी करके स्टडी करते हैं और देखते हैं इनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नेविगेशन, आपको ब्रांड लिस्ट चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे इसको। आपने सिंपली आपने अपना सेलर सेंटर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अंडर रिपोर्ट्स टैब आपको यहाँ ब्रांड लिस्ट का फीचर मिल जाएगा। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आपने सिंपली एक काम करना है, आपने अमेजोन का केस ओपन करना है और उन्हें कहते हैं कि वो आपको इसकी एक्सेस प्रोवाइड करें। ठीक है, एक्सेस मिलने के बाद आपको इसमें बेसिकली चार हमारी रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट है सस्टम रिपोर्ट। ठीक है, सस्टम रिपोर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको अमेजोन एक सस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, सस्टम का कॉलम प्रोवाइड करता है जिसमें आपके सारे कीवर्ड्स, जिसमें अमेजोन के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सबके कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेट्स सी, यूके में ये नंबर 2.5 लाख है। ठीक है, 250,000 प्रोडक्ट्स यूके के अंदर है, इतने आपको कीवर्ड्स यूके में मिल जाते हैं, और यूएस में आपको 1 मिलियन तक कीवर्ड्स मिल जाते हैं। 1 मिलियन तक जो यूएस में प्रोडक्ट सेल हो रही है वो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। सेकंड नंबर पे उनका सेकंड रो में आपको एसएफआर मिल जाता है। एसएफआर मतलब सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। अब सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक क्या होता है कि जस्ट लाइक सर्च वॉल्यूम, जितना ज्यादा आपका सर्च वॉल्यूम होता है उतनी ज्यादा आपकी मंथली सेल होती है। ठीक है, ये बिल्कुल उससे रिवर्स है, जितना कम सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी। ठीक है, अब इसमें लेट्स से आप ब्रांडेटिक्स ओपन करते हैं तो टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा फेस मास्क, तो फेस मास्क भी सेल्स नंबर 1 पे। उसके बाद आपको एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स की सेल नंबर 2 पे, ऐसे डाउन द लाइन ये 2,50,000 तक ये आपका नंबर जाएगा, और उसमें आपकी सारी सेल्स वाइज, सेल्स रैंक वाइज आपकी सारी प्रोडक्ट सॉर्टेड होंगी, तो उसको कहते हैं एसएफआर। नेक्स्ट आया था आपका क्लिक शेयर और कन्वर्जन। ठीक है, ये क्लिक शेयर और कन्वर्जन शेयर क्या है, क्लिक शेयर आपका क्या है कि कोई भी आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जो कोई भी नंबर ऑफ कीवर्ड जो आप अमेजोन पर सर्च करें और उसके अगेंस्ट जो टॉप कंपेटिटर जो सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके जा रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं गार्लिक ब्रेड सर्च करता हूँ अमेजोन, और मेरे पास वो एसएन यहाँ पे शो हो जाएगा जो सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके जा रहा है। लेट्स से 50,000 लोग सर्च करें गार्लिक ब्रेड को, तो 2,000 क्लिक्स एक पर्टिकुलर लिस्टिंग पे जा रहे हैं, तो उसके वजह से मेरे पास टॉप पे वहाँ पे आके शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन शेयर क्या है कि वो आइटम, वो लिस्टिंग, वो पर्टिकुलर लिस्टिंग जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन लेके आ रही है। ठीक है, एक तो हो गया ना जो क्लिक्स लेके जा रहा है जिसमें क्लिक्स हो रहे हैं, और एक वो जिसको अमेजोन पे कस्टमर सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सेल आपको कहीं से भी आ सकती है, वो थ्रू पीपीसी भी आ सकती है, वो ऑर्गेनिकली सर्च भी हो सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सबसे पहले सस्टम का बार है। ठीक है, सस्टम रिपोर्ट के अंदर आपके पास सारे सस्टम आ गए, सारे कीवर्ड्स आ गए जो पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के अंदर सोल्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे उनका एसएफआर। ठीक है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। अब एसएफआर में वो डिमांड वाइज वो शॉर्ट एंड से वायरलेस एयरबड्स हैं, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है तो इनका एसएफआर नंबर 1 है, और ब्लूटूथ हेडफोन्स है इनकी, इनका एसएफआर नंबर 2 है, मतलब इनकी डिमांड वायरलेस एयरबड से कम है, और डाउन द लाइन ऐसे ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड आपको मिल जाते हैं और वो एस एफ आर वाइज सॉर्ट होते हैं। उसके बाद नंबर 1 क्लिक एसाइन, मतलब कि वो एसाइन, वो पर्टिकुलर लिस्टिंग जिसको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो एसाइन आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, उनका क्लिक शेयर कितना है, मतलब कितने परसेंट मार्केट में से शेयर लेके जा रहा है। अब लेट्स से 100 लोग हैं, 100 लोग आते हैं आके वायरलेस एयरपोर्ट अमेजोन पे सर्च करते हैं। ठीक है, उसमें से 1.97% लोग इस एसाइन को क्लिक करें तो वो रिपोर्ट मुझे यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और ये परसेंटेज वो है जो इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को परचेज करके जा रहे हैं। लेट्स से 100 लोगों ने वायरलेस एयरबड्स को अमेजोन पर सर्च किया या फिर वी आर पीपीसी, वो इस लिस्टिंग को, इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को परचेज करके जा रहे हैं। ठीक है, जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा परचेजिंग जो हो रही है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, वो लिस्टिंग का लिंक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, उसका टाइटल मेरे पास मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। ठीक है, सिस्टम रिपोर्ट के बाद हमारे पास सेकंड रिपोर्ट है अमेजोन की, मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि ये हमें कि डाटा प्रोवाइड करती है कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमने ऑलरेडी अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
उसके साथ साथ उसके अलोंग उसके साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज की जा रही है। ठीक है, लेट से आपकी प्रोडक्ट है आप क्रिकेट बैट है, तो क्रिकेट बैट के साथ सबसे ज्यादा आइटम आपकी क्रिकेट बॉल्स सेल हो सकती है, उसके साथ क्रिकेट की डिफरेंट एक्सेसरीज सेल हो सकती है। अब लेट्स से अगर आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं पता कि उसके विद अलोंग विद कितनी कौन सी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, तो मार्केट बास्केट एनालिसिस आपको उसमें हेल्प करेगा और उस सारी प्रोडक्ट्स और उनका परसेंटेज आपके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आता है डैशबोर्ड पे कि वो सारा डाटा शो कर रहा है आपको। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, इट विल अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर बाय अलोंग विद योर प्रोडक्ट। ठीक है, जो कस्टमर आपके साथ आपकी प्रोडक्ट के साथ आइटम्स परचेज करें उनके बारे में आपको पता चल सकता है। ठीक है, और इसमें आपको हेल्प करेगा ये कि आप फर्दर अपने अकाउंट को ग्रो कर सकें। ठीक है, अपने अकाउंट में अपने ब्रांड में लाइक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट है आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेटिव परचेज बिहेवियर। ठीक है, ये रिपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करती है कि ऐसे कौन कौन से एसेंस हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को छोड़ के परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो है ना हमारी प्रोडक्ट को अमेजोन लोगों के पास डिस्प्लेड है, और उनके साथ ही जैसे पीपीसी के थ्रू या किसी भी अलोंग विद किसी भी राइट साइड पे वो कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले हो सकती है। ठीक है, जो हमारी लिस्टिंग से सारे शेयर लेके जा रही है। ठीक है, तो वो सारे डाटा हमें हमारे पास यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम वो सारे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं जो हमारी सेल्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे थ्रू सेल्स लेके जा रहे हैं, उनके जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करके हम अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में ऐड करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कि जैसे कोई और प्रोडक्ट हमारी सेल्स ज्यादा लेके जा रही है, तो हम उस प्रोडक्ट को भी अपनी पोटेंशियल उन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज कि जो हमसे सेल्स लेके जा रहे हैं जो कंपेटिटर्स, उन एसेंस को उन टॉप 5 एसेंस को हम डायरेक्टली अपनी किसी कंपेरिजन में यूज कर सकते हैं ताकि हम उनका शेयर वहां से कलेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो एंड और आई गेस सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल रिपोर्ट है ये ब्रांड पे प्रोवाइड करती है वो है डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में क्या है कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी डेमोग्राफिक्स हैं कि आपके कस्टमर के बारे में सारा डाटा आपको प्रोवाइड करता है कि आपका कस्टमर कौन है, आपके कस्टमर की एज क्या है। ठीक है, आपके कस्टमर की एज क्या है, आपके कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, का मार्शल स्टेटस क्या है, का जेंडर क्या है, का एजुकेशन स्टेटस क्या है, आपको A to Z आपको कस्टमर के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाती है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि लेट्स से हम FB कंपेन रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कोई कहीं भी कोई कंपेन रन करें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हम डायरेक्टली इन डेमोग्राफिक्स को यूज करते हुए इस डाटा को यूज कर सकते हैं अपनी कंपेन्स को अपनी FB कंपेन्स को या कोई भी मार्केटिंग कंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उनको ऑप्टिमाइज करने से हमें ज्यादा हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं और टारगेटिंग को हम और ज्यादा लेजर कर सकते हैं। सो दिस वाज हमारा सेशन था ब्रांड लिटिक्स के ऊपर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन ब्रांड लिटिक्स और को हम यूज करते हुए हंटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।